वंदे मातरम। आप इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पेपर मनी कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पेपर मनी में कई प्रकार की हो सकती है, इसे हम टोकन मनी बोलते हैं। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव मनी। वह मनी देखिए, इसका यह प्रकार है कि ये जब देखिए, जो भी हम प्रकार बता रहे हैं ये नहीं कि भारत में लागू हो, ये कहीं भी लागू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो दुनिया में कहीं भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ थियरी। ओके, हम ये अभी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको जानते होंगे कि अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो किसी देश पार्टिकुलर कंट्री के लेके चलते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरे होल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पूरी थियरी इत्यादि या इकोनॉमिक्स से संबंधित समस्याओं पे चर्चा करते हैं और उसका वर्णन करने का प्रयास करते हैं और उसमें जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? उसकी थियरी के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव मुद्रा होती क्या है। वह मुद्रा जो मुद्रा के रूप में काम करती है, जैसे कोई भी मुद्रा है ना, रिप्रेजेंटेटिव मनी, वह करेंसी, वह पेपर मनी जो मुद्रा के रूप में काम करती है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। या एक प्रकार से हो सकता है कि मुद्रा के रूप में काम कर रही है, या कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव मनी में कोई भी पेपर जो मुद्रा के रूप में काम कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, नंबर दूसरा ये इसमें आ रहा है कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी पहला, दूसरा कन्वर्टेबल मनी वह मनी होती है जिसको आप 100% मतलब आप जिसको देकर वो अपने वापस सोना पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब ये मनी बनाई जाती है ना, इसमें 100% सोना आरक्षित रखा जाता है, अर्थात उस पैसे को छापने के लिए 100% सोना रखा जाता है, दैट इज कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी की यही खासियत है कि इसमें 100% आरक्षित सोना या चांदी रखा जा सकता है, अर्थात जिसके एवज में ये बनाया जा रहा है कन्वर्टेबल मनी। ठीक है, वो होता तो टोकन करेंसी ही है, लेकिन उसको दे के आप मतलब उसके बदले सोना पा सकते हैं, दैट इज कन्वर्टेबल मनी। नंबर तीसरा होता है, इसको हम यहीं पे देख ले रहे हैं, नंबर थर्ड, ठीक है, नंबर थर्ड को हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। तीसरा होता है इनकन्वर्टेबल मनी। इनकन्वर्टेबल मनी ये ऐसी मुद्रा होती है, इनकन्वर्टेबल मनी, इसे हम अनकन्वर्टेबल मनी भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं फिएट मनी, फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। देखिए ये कैसी मुद्रा होती है, इसी को हम सरकार द्वारा जारी किया, यही मुद्रा है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आई आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, अब देखिए हमने ये सब बता दिया। अभी जो इन कन्वर्टेबल मनी होता है उसका विशेषता यह होता है कि उसको कन्वर्ट करके आप, जैसा जो आपके पास 2,000 रुपये है ना, उसको जाके सरकार के पास कन्वर्ट करके सोना नहीं ले सकते। ठीक है, दैट इज फिएट मनी। फिएट मनी वह मनी जो सरकार जारी करती है, उसे फिएट मनी बोलते हैं। या उसके अलावा लीगल टेंडर मनी होती है। लीगल टेंडर मतलब उसे लीगल किया जाता है, वैध किया जाता है, जिसके द्वारा बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के आदेश से सेंट्रल बैंक द्वारा लीगल किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। चौथा मनी हम देख लेते हैं, जिसमें हम आगे हम देखेंगे, और इसे हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। आई होप फिड्यूशियरी मनी, ठीक है, फिडू नंबर चार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नंबर चार देख लेते हैं, ये है फिड्यूशियरी मनी। ये मनी ऐसा, इसे हम विश्वास मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, विश्वास मुद्रा, यह ऐसा मुद्रा होता है जो विश्वास पर आधारित होता है, किसके, जो लेता है पैसा और जो पैसा देने वाला होता है उसके विश्वास पे टिका होता है। इसे हम इलीगल, मतलब इसे हम नॉन लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। फिड्यूशियरी मनी को नॉन लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, विश्वास मुद्रा उसे बोलते हैं। ये किस पे आधारित होता है, किस पे मतलब निर्भर होता है, जो पैसा देने वाला होता है और जो लेने वाला उस पे होता है, इसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आपको लेना ही है। जैसे चेक होता है, चेक इत्यादि क्या है, इस एग्जांपल हम ले सकते हैं चेक का।
चेक ऐसा होता है कि आप किसी पे मजबूरी मतलब थोप नहीं सकते कि आपको लेना ही है। क्यों? क्योंकि ये फिडुसियरी फिडुसियरी मनी में आता है। फिडुसियरी मनी वैसे मुद्रा जो विश्वास मुद्रा अर्थात जो विश्वास पर आधारित होती है। तो ये चार प्रकार की मुद्रा हमने मोटे तौर पे देखा है, टाइप ऑफ पेपर मनी। आई होप ये लो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वह है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है, या इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। आप इस पे बने रहिएगा, आपको पूरी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।